चलिए अपन राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें भदभदा बस्ती में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। 20 घरों को गिराने की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। बता दें कि ये 20 घर खाली हो चुके हैं और उसके बाद खाली कराने के बाद ये 20 घरों को गिराने की कार्रवाई अब जारी है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आने जाने वालों को फिलहाल रोक दिया है। 1000 पुलिसकर्मी तैनात है। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। बिना परिचय पत्र के लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसी के साथ बता दें एनजीटी के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। 20 फरवरी तक रहवासियों को मकान खाली करने की मोहलत दी गई थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको राजधानी भोपाल से। बता दें कि भदभदा बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर रहवासियों को मोहलत दी गई थी घरों को खाली करने की, लेकिन बता दें कि रहवासी अपनी बात पर लगातार अडिग हैं, टिके हुए हैं। रहवासी नहीं चाहते कि घर खाली करवाया जाए और बता दें कि रहवासी लगातार गंभीर आरोप प्रशासन पर, नगर निगम पर लगा रहे हैं कि बिना आवास दिए, बिना रहने की जगह दिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बता दें कि मौके पर 1000 पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। 386 घरों को खाली करने के निर्देश नगर निगम ने सौंपे थे और अब इन 386 घरों में से फिलहाल 20 घर खाली हो चुके हैं और इन 20 घरों को अब गिराने की कार्रवाई नगर निगम ने शुरू कर दी है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए सहयोगी दुर्गेश गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, अब देखा जाए तो यहां पर भदभदा बस्ती में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन रहवासी जो है वो अपनी बात पर अड़िग है। रहवासी नहीं चाहते कि मकानों को खाली किया जाए क्योंकि उनका कहना है कि पीढ़ियों से वो यहां पर रहते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आक्रोश उनमें देखने को मिल रहा है घरों को गिराने की बात पर। बिल्कुल स्पष्ट तौर से, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को वह तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिस तस्वीर में स्पष्ट तौर से यह तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जिला प्रशासन और नगर निगम का प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई कर बस्ती को खाली करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है करीब 100 साल यह पुरानी बस्ती है जो कि जो तालाब के कैचमेंट एरिया में यह बस्ती बनी थी और एनजीटी ने इस पर आदेश दिया था खाली करवाने का, यानी कि इस अतिक्रमण को खाली कराने का एनजीटी के द्वारा आदेश दिया गया था। यह कैचमेंट एरिया की जो बस्ती है करीब 100 साल पुरानी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि 100 साल पुरानी बस्ती में अभी तक किसी जिला प्रशासन की, किसी नगर निगम की, किसी एनजीटी की इस बस्ती पर नजर नहीं पड़ी थी, लेकिन 100 साल बाद आज अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इस बस्ती को खाली कराना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां के लोगों में, जो स्थानीय लोग हैं उन स्थानीय लोगों में एक आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। उन पर आक्रोश जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 2 बजे यहां पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी आए थे, पूरा अमला भी आया था और इसी दौरान पर यहां के लोगों के बीच में बातचीत चल रही थी। जिला प्रशासन के द्वारा उनको वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही थी, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उनको बोला जा रहा था कि वह शहर में नगर निगम की जो मल्टियां बन रही हैं उन पर भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे जो यहां के स्थानीय लोग हैं उनके स्थानीय लोगों का इस बस्ती से, अपने घरों से एक लगाव था जिसकी वजह से वह काफी आक्रोशित थे कि वह यहां पर करीब 100 साल से यहां पर रह रहे हैं, किसी ने यहां पर 2-3 पीढ़ियां बिताई हैं और इस दौरान पर उनको यह बस्ती खाली कराई जा रही है जिसकी वजह से वह यह खाली करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। इसी दौरान की अगर तस्वीरों में देखा जाए तो जिस तरीके से यह आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर यह कार्रवाई चल रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम का प्रशासन संयुक्त रूप से सुबह 4 बजे से ही इस कार्रवाई में जुट गया था। यहां पर करीब बताया जा रहा है कि 300 से ऊपर से ज्यादा मकानों की यह बस्ती थी, करीब 100 साल पुरानी बस्ती थी जो कि यह जिला प्रशासन के द्वारा खाली कराया जा रहा है। तालाब देख सकते हैं, तालाब के ही कैचमेंट एरिया में यह बस्ती आ रही थी जो कि एनजीटी में इसका प्रकरण लगा हुआ था। एनजीटी ने इस बस्ती को खाली कराए जाने का आदेश दिया था। जी बिल्कुल दुर्गेश, देखा जाए तो जैसा कि अभी आपने बखान किया कि लोगों में, यहां जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश है इस बात का कि पीढ़ियों से लोग रहते आ रहे हैं और इस अब अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, बस्तियों को खाली कराया जा रहा है। लगातार रहवासी इस बात पर टिके हुए थे कि मकान खाली नहीं करने, लेकिन नगर निगम ने वहां पर बिजली पानी सप्लाई तक बंद कर दी और इसी वजह से स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को पानी सप्लाई कट होने की वजह से तालाब का गंदा पानी पीना पड़ रहा है।
बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर बात की जाए, जिस तरीके से यहाँ पर काफी समय से यह जद्दोजहद चल रही थी इस बस्ती को खाली कराने के लिए, और जिस तरीके से देखा जा रहा था कि यहाँ पर नगर निगम की तमाम वह सुविधाएं जो आम आदमी को मुहैया करवाई जाती हैं, एक बस्ती में रहने वाले लोगों को मुहैया करवाई जाती है, 300 से ज्यादा घरों की बस्ती, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं करीब 1000 से ज्यादा लोग इस बस्ती पर रह रहे थे, और 1000 से ज्यादा लोगों की इस बस्ती में नगर निगम की तमाम सुविधाओं को बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था नगर निगम की तरफ से, ताकि यहाँ के लोग अपना विस्थापन स्वीकार कर लें, और जहां पर इनको भेजा जा रहा है नगर निगम के द्वारा वहां पर यह लोग आसानी से चले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहां के लोग अड़िग थे, अड़े हुए थे अपने घरों पर रहने के लिए, इस बस्ती पर रहने के लिए, चूंकि उन्होंने कई पीढ़ियां यहां पर बिताई हैं, करीब 100 साल पुरानी यह बस्ती बताई जा रही है। अगर रात की बात की जाए तो देर रात 4 बजे से इस बस्ती को खाली कराने का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी तैनात हुए। बात की जाए तो करीब 1 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेटिंग लगा दी गई है, छावनी में तब्दील कर दिया गया इस पूरे एरिया को, करीब 1000 से ज्यादा पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है, जो कि जो पूरे इस बस्ती के चारों तरफ से जो बॉर्डर एरिया है उस बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है। किसी भी प्रकार से बाहर के आदमी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, अंदर के आदमी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, यानी कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर किस तरह से बस्ती खाली कराई जा रही है, उसका किसी को कोई अनुमान नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। जहां तक कि यहां के जो रह रहे जो लोग हैं, उनके जो संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वे भी तमाम जिला प्रशासन में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कि अंदर देर रात से ही खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जहां तक कि वह देर रात से भूखे हैं यहां पर रहने वाले लोग, जो यहां पर हम लोग रिश्तेदार हैं, हम लोग अंदर खाने जाने देना चाह रहे हैं तो भी वहां पर हमको नहीं जाने दिया जा रहा है, जहां तक कि जिला प्रशासन के द्वारा उनके खाने पीने से लेकर किसी भी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही साथ में जो अतिक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण में किसी भी प्रकार का सारा सामान उनका तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो तमाम तरह के आरोप भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यह चारों तरफ का जो बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, करीब हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, चारों तरफ पुलिसकर्मी तैनात हैं, यहां पर किसी भी प्रकार से चारों तरफ से आने जाने वाले लोगों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। जहां तक कि अगर मीडिया की बात की जाए तो मीडिया को भी करीब 1 किलोमीटर के दायरे पर रोक दिया गया है, और स्पष्ट तौर से आप यह तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे दर्शक इस स्वराज एक्सप्रेस की स्क्रीन के जरिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि तालाब का एक यह किनारा है और तालाब के दूसरे किनारे में यह बस्ती बसी हुई है। उस जो दूसरे किनारे में इस बस्ती का अतिक्रमण किया जा रहा है, बस्ती को अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यहां पर दूसरी छोर पर मीडिया रुकी हुई है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे पर मीडिया को रोक दिया गया है, ताकि मीडिया वहां की जो हकीकत है, जो असलियत है, वह वहां पर नहीं दिखा पाए। जिला प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है, उसको मीडिया के जरिए नहीं दिखाया जा सके, तो इस प्रकार से स्पष्ट तौर से मीडिया को भी करीब 1 किलोमीटर के दायरे पर यहां पर रोक दिया गया है। चारों तरफ के बॉर्डर यहां पर सील कर दिए गए हैं और यहां पर चारों तरफ पुलिस बल तैनात है, चाहे पहाड़ी एरिया हो वहां पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है, या जो आने जाने वाले जो एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस दरवाजे, यहां पर बस्ती को जाने आने वाले जो दरवाजे हैं उनको भी सील कर दिया गया है, चारों तरफ से पुलिस बल तैनात किया गया, बैरिकेटिंग लगाई गई है, और किसी भी प्रकार से आने जाने वाले लोगों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल दुर्गेशा, इस पूरे मामले में एक अहम मुद्दा यह भी उठ रहा है कि जो रहवासी है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, नगर निगम पर, कि उनको रहने के लिए कोई आवास नहीं दिया गया है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई है, और इससे पहले ही मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो ये एक बड़ा आरोप है नगर निगम पर, प्रशासन पर, रहवासियों के द्वारा। बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर बात की जाए, जिस तरीके से यहाँ के रहवासियों के द्वारा कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा, जहां तक कि मौजूदा सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ की बस्तियों में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही हमसे कोई बात की गई है। देर रात यहाँ पर कलेक्टर से लेकर कमिश्नर, भोपाल पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर पहुंचे थे, और तमाम रहवासियों को समझाइश दी जा रही थी, बातचीत की जा रही थी कि वह उनके विस्थापन की पूरी जो विस्थापन के लिए जगह अलॉट कर दी जाएगी, और नगर निगम में जो कम्युनिटी हॉल है वहां पर उनको रुकने की व्यवस्था की जाएगी। तो तमाम तरह से, हालांकि वो कम्युनिटी हॉल में रुकने के लिए राजी नहीं हुए यहां के रहवासी, यहां की जो बस्ती के लोग हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यहां पर जिस तरीके से देखा जा रहा था कि पुलिस बल यहां पर तैनात है, जिला प्रशासन की टीमें यहां पर तैनात है, तमाम आने जाने वाले लोगों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के साथ में अगर देखा जाए तो अगर विस्थापन की बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा वह उचित तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने से भी यहां के लोग नाराज थे। जहां तक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता
और पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी इस बस्ती में पहुंचे थे और उन्होंने इस बस्ती को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिग्विजय सिंह ने बताया था कि करीब यह 100 साल पुरानी बस्ती है जिसको जिला प्रशासन और मौजूदा सरकार के द्वारा हटाया जा रहा है, जहां तक कि उन्होंने इस तालाब को भी एक आर्टिफिशियल तालाब बताया था और इसी के साथ में कई बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के भी गंभीर आरोप यहां के बस्ती वाले लोगों के द्वारा लगाया जा रहा था। इसी के साथ में अगर देखा जाए तो विस्थापन को लेकर हालांकि जिला प्रशासन कई प्रकार के दावे जरूर करता हुआ नजर आ रहा है कि इनको रुकने के लिए नगर निगम के कम्युनिटी हॉल में व्यवस्था की गई है, इनको जो नगर निगम के जो मकान बन रहे हैं उन पर भी इनको रुकने के लिए, इनको रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ में एक जो फ्लैट है नगर निगम की, उन फ्लैट पर भी इनको रुकने के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम की प्रशासन ने व्यवस्था की है। मगर एक सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर अगर इनको रुकना है तो करीब 1,80,000 रुपए इनको बैंक से लोन कराकर और फिर वह मकान खरीदना पड़ेगा, यानी कि 1,80,000 रुपए की कीमत जो है इनको अदा करनी पड़ेगी जो कि बैंक से लोन के रूप में इनको जमा करना पड़ेगा। यानी कि अगर उनको बस्ती खाली करना है और बस्ती खाली करने के रूप में वैकल्पिक रहने की व्यवस्था अगर उनको करनी है तो 1,80,000 रुपए इनको अदा करना पड़ेगा, उसके बाद ही वह मकान उनको मकान पर रह पाएंगे। तो तमाम तरह की जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही थी लेकिन यहां के लोग उस वैकल्पिक व्यवस्था पर राजी नहीं हो रहे थे क्योंकि कहीं किसी को पैसे ज्यादा लग रहे थे, पैसे देना पड़ रहे थे, इस वजह से वो वैकल्पिक व्यवस्था में संतुष्ट नहीं थे। उसी के साथ में कहीं किसी को लोकेशन अगर बात की जाए तो भोपाल से दूर दराज एरिया में इनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही थी जिसको लेकर भी यहां के लोग संतुष्ट नहीं थे। इसी के साथ में अगर बात की जाए तो कुछ एक इमोशनली अटैचमेंट भी यहां के बस्ती वाले लोगों का एक इमोशनली अटैचमेंट भी था। कई लोगों के बयान निकलकर सामने आए कि करीब 100 साल यह पुरानी बस्ती है और 100 साल में करीब उन्होंने 2 से 3 पीढ़ियां इस बस्ती में देखा है, जहां जिस बस्ती में जिस घर में उन्होंने बचपन गुजारा है, बचपन से खेल कूद से लेकर वे बड़े हुए हैं, वैसे में वे इस बस्ती को खाली करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। यानी कि स्पष्ट तौर से कई अगर देखा जाए तो किसी एंगल से यहां पर एक इमोशनली अटैचमेंट भी निकलकर सामने आता है जिसकी वजह से यहां के लोग इस बस्ती को खाली कराने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। जी जी बिल्कुल दुर्गेश, अब अगर कुल मिलाकर इस मामले की बात की जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है सत्ता में काबिज सरकार के लिए, एक बड़ा समस्या चर्चा का विषय बन सकता है क्योंकि लगातार जो पीड़ित लोग हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि मकान ना तोड़े जाए और कई पीड़ित महिलाएं तो कलेक्टर का भी घेराव करती नजर आई है। बिल्कुल स्पष्ट तौर से अगर बात की जाए तो स्पष्ट तौर से यह चर्चा का विषय बना ही हुआ है। जब से इस बस्ती को खाली कराने के आदेश आए हैं, एनजीटी ने जैसे ही बस्ती खाली कराने के आदेश दिए थे, करीब 300 से ज्यादा घरों की इस बस्ती को खाली कराने के जैसे ही आदेश दिए गए तब से यह चर्चा का विषय बन गया था क्योंकि यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहां के जो कांग्रेस पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वह इस बस्ती में पहुंचे भी थे, लोगों से उनकी जो पीड़ा थी वह पीड़ा भी सुनी थी और पीड़ा के मुताबिक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने बयान भी दिया था। कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगे थे मौजूदा सरकार में, तो यह बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में यह मौजूदा सरकार के लिए, सत्ता में काबिज लोगों के लिए, जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है अगर इनका विस्थापन सही जगह पर नहीं किया गया तो, और इसी के साथ में अगर इनकी उचित व्यवस्था नहीं की गई तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर सकता है कि यह पूरा मुद्दा चिंता का विषय कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बन सकता है क्योंकि लोग इससे परेशान हैं और इस पर अब राजनीति भी गर्माती जरूर नजर आएगी। शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।